नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। मॉनसून के दिनों में मौसम कब बदल जाए कहना मुश्किल है। सियासत का भी कुछ यही हाल है। 17 महीने बाद आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए मौसम बदल गया। उनके अच्छे दिन आ गए। शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किए गए सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। आज कोर्ट ने बेल देते हुए क्या कहा, उसकी हर खबर मैं आपको बताऊंगा। और सलाखों से बाहर आने के बाद सिसोदिया का पॉलिटिकल प्लान क्या है, यह भी समझाऊंगा। इसके साथ ही होगी बात नीतीश कुमार के घर उस तौबा तौबा संकट की, जिसका कनेक्शन वक्फ संशोधन बिल से है। एक तरफ जेडीयू ने संसद में इस बिल का खुला समर्थन किया, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश के करीबी कुछ मुस्लिम नेता ही इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। आखिर नीतीश के घर में यह चल क्या रहा है, इसकी हर बात आपको बताऊंगा। साथ ही आज प्रधानमंत्री मोदी की उस गारंटी की खबर भी दिखाऊंगा, जिसके बारे में सुनकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती वाह वाह कर उठी। आखिर प्रधानमंत्री ने बीजेपी के एससी एसटी सांसदों को ऐसा क्या आश्वासन दिया कि बीएसपी सुप्रीमो खुश हो गई, ये जानना बेहद दिलचस्प। लेकिन सबसे पहले बात टोन पर टक्कर की। हर किसी के बात करने का एक सलीका होता है। संसद में नेताओं के भाषण उनके टोन के लिए जाने जाते हैं। किसी के बोलने का अंदाज आक्रामक होता है तो किसी का सहज। लेकिन आज इसी टोन को लेकर संसद में जुबानी संग्राम छिड़ गया। बात इतनी बढ़ गई कि विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग तक की तैयारी कर ली। ये संसद सत्र के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के ठीक पहले टोन थी, जिस ढंग से उन्होंने कहा था, टोन वर्ड दोनों को मैं कह रहा हूँ नहीं। It's only the tone that matters. When you are being something happen, the same will apply to the LOP also, sir. सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है, is not acceptable. I am a person who has gone out of the way, and you say my tone? You have not seen what I see from here. बोलने के अंदाज यानी टोन पर ऐसा टंटा हुआ कि राज्यसभा के सदन में बहस, तकरार और वॉकआउट सब कुछ हो गया। You are walking away from your obligations. You are walking away from your duty. और विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ महाभियोग की तैयारी शुरू कर दी। विपक्ष के सांसद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में जमा हुए। इसके बाद महाभियोग प्रस्ताव के लिए विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर कराए जाने लगे। बताया जा रहा है कि विपक्ष धनखड़ के खिलाफ अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी कर रहा है। महाभियोग प्रस्ताव के लिए विपक्ष को कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होगी। सदन की मर्यादा। महाभियोग प्रस्ताव के लिए सदन को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है और संसद फिलहाल अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुकी है। लेकिन सवाल है कि सदन में टोन का टंटा यहां तक पहुंचा कैसे। इसकी शुरुआत हुई कांग्रेस सांसद जयराम रमेश से। जयराम रमेश ने राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बीजेपी के सांसद घनश्याम तिवाड़ी के एक कमेंट का जिक्र किया और आरोप लगाया कि तिवाड़ी ने खड़गे का अपमान किया है। इस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि दरअसल घनश्याम तिवाड़ी संस्कृत में खड़गे जी की तारीफ कर रहे थे। बावजूद इसके कांग्रेस के सांसद माफी की मांग पर अड़े रहे। अपोलॉजी फॉर व्हाट? पीपल डोंट अपोलोजाइज व्हेन दे प्रेज। लेकिन कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस पर टोन की बात छेड़ दी। बोले, बीजेपी सांसद की टोन ठीक नहीं थी। एलओपी का जिक्र किया था तो मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो टोन थी, जिस ढंग से उन्होंने कहा था और जो शब्द कहे थे, वो निसंदेह जो डिकोरम होता है एलओपी ऑफिस का, उसके मद्देनजर उचित नहीं थी। टोन वर्ड दोनों को मैं कह रहा हूँ नहीं। प्रमोद तिवारी अपनी बात कहकर बैठे तो लगा जैसे मामला शांत हो जाएगा, लेकिन जयराम रमेश की टिप्पणियां आती रहीं और माहौल गर्म हो गया। मिस्टर जयराम रमेश, आई एम अबाउट टू नेम यू। किस बात के लिए सर,
ये एक बात लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ में हुआ है, उसके बारे में आपके संज्ञान में ला रहे हैं, सब लोगों के सामने हुआ, इसलिए नेम कर देंगे? नहीं नहीं, मैं एक हाथ जोड़ के कहता हूँ सर, आप कहते हैं आप हंस क्यों रहे हैं, आप कहते हैं आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आप बैठे क्यों हुए हैं सर, प्लीज ऐसे मत करिए। अजय माकन ने अपनी बात कही तो लगा के बात अब खत्म हो जाएगी, लेकिन तब तक डीएम के सांसद तिरुचि शिवा ने मैदान में आकर एक बार फिर टोन का मसला छेड़ दिया। आई रिकॉल सर, वन डे मिस्टर चिदंबरम आस्क्ड यू हाउ 267 नोटिस वाज प्रीसीडेड बाय अनदर मोशन, हाउ कैन यू डू दैट, एंड यू वर एजिटेटेड बिकॉज़ हाउ कैन यू डू दैट सर, आई टोल्ड देन इट इज नॉट हाउ कैन यू डू दैट सर, इट्स ओनली द टोन दैट मैटर्स when you are being something happen, the same will apply to the LOP also sir। तिरुचि शिवा की बातें सुनकर मुस्कुराते जगदीप धनखड़ ने आखिरी वक्ता के तौर पर जया अमिताभ बच्चन का नाम ले लिया। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर। आई एम अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ द वे एंड यू से माय टोन, नो 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 शिट गिवन टू यू, नो नो डोंट अप्लॉड नाउ, नो इनअपॉइंट, यू मे बी एनीबॉडी, यू मे बी अ सेलिब्रिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेकोरम। बात मनीष सिसोदिया की, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के ने बीजेपी पर सिसोदिया को फंसाने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम के साथ आतंकवादियों से भी बुरा सलूक हुआ। वहीं तिहाड़ से बाहर आते ही सिसोदिया ने केजरीवाल को सबसे ईमानदार नेता बता डाला। उन्होंने कहा जल्द ही ताले टूटेंगे और केजरीवाल भी छूटेंगे। जेल का ताला खुला और मनीष सिसोदिया तिहाड़ से बाहर आ गए। 17 महीने बाद सलाखों के पीछे से बाहर उन्होंने खुली हवा में सांस ली। आम आदमी पार्टी जश्न में डूबी है। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने की खबर से पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई, मनोबल मजबूत हो गया। सिसोदिया का कद पार्टी में नंबर दो का रहा है। ऐसे में जब केजरीवाल जेल में बंद हैं, तो सिसोदिया को जमानत मिलना एक बड़ा मौका है। सिसोदिया शराब घोटाला केस में 26 फरवरी 2023 से ही जेल में थे, आखिरकार जमानत मिल गई। इस खबर ने आम आदमी पार्टी के मनोबल को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। कार्यकर्ताओं का जोश दोगुना हो गया। पार्टी इसे इंसाफ की जीत बता रही है। 17 महीने आपने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाफ एक सबूत नहीं था, एक रुपए की पैसे की बरामदगी नहीं हुई। 17 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया, मनीष सिसोदिया कैसे जेल में रहे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत का ये आदेश सीबीआई और ईडी दोनों की तरफ से दर्ज केस में आया है। जमानत का आधार ट्रायल शुरू होने में देरी को बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन ने सिसोदिया को 10 लाख रुपए के दो निजी मुचलकों पर जमानत दी। बेंच ने ये शर्त रखी है कि वो हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे, अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करवाएं, गवाहों और सबूतों को प्रभावित न करें। हालांकि कोर्ट ने यह शर्त लगाने से मना कर दिया कि सिसोदिया को दिल्ली सचिवालय जाने से रोका जाए। इसकी मांग ईडी ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज हैं, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय ये साफ कर दिया कि वो केस के फैक्ट्स पर बात नहीं कर रहा। अदालत ने दो टूक कहा कि लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड को देखकर नहीं लगता कि खुद सिसोदिया ने इतने आवेदन दाखिल किए हैं जिससे मुकदमा शुरू होने में देरी हुई हो। ऐसे में बिना वजह उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता।
जजों ने ये भी कहा कि दस्तावेज देखना आरोपी का अधिकार होता है, इसके लिए आवेदन दाखिल करना गलत नहीं है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी के इस भरोसे के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी थी कि मुकदमे का ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा हो जाएगा। कोर्ट ने सिसोदिया को ये इजाजत भी दी थी कि मुकदमे में देरी के आधार पर वो जमानत की मांग कर सकते हैं, लेकिन निचली अदालत और हाई कोर्ट ने इस बारे में उनके आवेदन को ठुकरा दिया। सर्वोच्च अदालत ने ये भी कहा कि निचली अदालतों के ऐसे रवैये के चलते सुप्रीम कोर्ट को बेवजह बड़ी संख्या में जमानत याचिकाएं सुननी पड़ती हैं। 17 महीने सीबीआई और ईडी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में रखा और धिक्कार है ऐसी एजेंसी पर जिसको आज तक एक सबूत नहीं मिला चवन्नी का। इस बात का अफसोस है कि जो बिल उनको एक साल पहले मिल जानी चाहिए थी, न्यायिक प्रक्रिया में डिले की वजह से आज 17 महीने बाद वो बेल मिली है। जब सिसोदिया को बेल मिलने की खबर आई थी तो आतिशी के आंसू छलक पड़े, ये खुशी के आंसू थे। आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है तो बीजेपी कह रही है कि अभी तो जमानत मिली है, सजा पर फैसला नहीं आया है, आरोप कायम है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। कल को बरी हो जाएंगे, कहेंगे सिर्फ बरी ही तो हुए हैं। एक गर्दन काटो योजना इनको बनानी चाहिए, दल के अंदर एक समूह तैयार करना चाहिए जो विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के कहीं मारे, कहीं पीटे, कहीं उनकी हत्या करे, कहीं उनका गर्दन काटे, उससे शायद इनको संतुष्टि मिलेगी। सबसे दिलचस्प बयान आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का आया। उन्होंने सिसोदिया को दिल्ली का सीएम बनाने की मांग कर डाली। मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को आज जमानत मिल गई। चाहती हूँ कि वो पूरी तरीके से दिल्ली सरकार को लीड करें और बहुत अच्छे से दिल्ली के लिए काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी के एससी एसटी सांसदों को एक बड़ी गारंटी दी। इसकी बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जमकर तारीफ कर दी। मामला एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू नहीं करने की मांग का है। बीजेपी के करीब 100 सांसद इसकी डिमांड के साथ पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे। इसमें प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो इस खास मांग पर गौर करें। प्रधानमंत्री मोदी से बीजेपी के अनुसूचित जाति और जनजाति के करीब 100 सांसदों की मुलाकात के बाद बड़ी खबर आई। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने इन्हें भरोसा दिलाया कि वो एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर लागू नहीं करने की मांग पर गौर करेंगे। बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के एससी एसटी सांसदों की पीएम मोदी से ये मुलाकात संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय जनता पार्टी के एससी और एसटी वर्ग के सांसदों ने संसद में मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को आश्वासन दिया कि आरक्षण को लेकर सरकार किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं करेगी। प्रधानमंत्री जी को सारी की सारी बातें बताई हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार अनुसूचित जाति हो जनजाति हो उसमें क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया जाएगा। सम्मान किया है उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों का, क्रीमी लेयर कम से कम इस पे लागू नहीं। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने एससी एसटी आरक्षण में कोटा के पक्ष में निर्णय सुनाया था। सर्वोच्च अदालत ने अपना जजमेंट देते हुए ये सिफारिश भी की थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के साथ की गई टिप्पणी में कहा था कि ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर का प्रावधान एससी एसटी रिजर्वेशन पर भी लागू होना चाहिए, लेकिन इसके मापदंड अलग होने चाहिए। अगर एक पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ी है तो अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी के एससी एसटी सांसदों के साथ ही उसके सहयोगी एलजेपीआर को भी आशंका है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दूर तक असर होगा। एलजेपीआर के नेता चिराग पासवान ने 2-2 कहा था कि एससी एसटी के लिए सब कैटेगरी यानी कोटे में कोटा के तहत आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान न हो। अनुसूचित जाति
जिनको समय समय पर छुआछूत की वजह से गांव से बाहर रखा गया, इनको छूना पाप माना गया, इनको तो ऐसी जातियों में क्रीमी लेयर का प्रावधान संभव ही नहीं है। सरकार का हिस्सा रहते हुए ऐसा कोई विधेयक हम लोग के रहते हुए नहीं आएगा। अब पीएम मोदी ने बीजेपी के एससी एसटी सांसदों की मांग पर बड़ी बात कह दी है, तो उधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि पीएम मोदी की बातों पर उसे कोई भरोसा नहीं है। इस देश में अनुसूचित जात जनजाति का सामाजिक राजनीतिक आर्थिक संपदा न हो जाए तब तक उसमें किसी प्रकार की कटौती का प्रावधान किया जाता है तो वो संविधान के स्पिरिट के खिलाफ। बात नीतीश कुमार की करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू के स्टैंड पर पार्टी के भीतर ही विरोध शुरू हो गया। जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में इस विधेयक की खूब तारीफ की थी, इसे देश हित में बताया था, यह भी कहा था कि यह मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। लेकिन पार्टी के मुस्लिम नेताओं को संसद में कही गई उनकी बातें पसंद नहीं आई। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी ही पार्टी के स्टैंड का खुलेआम विरोध शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। इसका विरोध भी किया है लोगों ने, गलत चीज है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। जो बिल आया है उसके बारे में कुछ आशंकाएं कुछ भ्रांतियां। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? वक्फ बिल पर संसद में राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह का ये स्टैंड पहले जेडीयू का ऑफिशियल स्टैंड बना, फिर अंतर्द्वंद बन गया, क्योंकि राजीव रंजन सिंह का बयान नीतीश के करीबी मुस्लिम नेताओं को खल गया। हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज है वो वर्तमान केंद्र सरकार पर विश्वास नहीं करता, आशंकित है, इसलिए उसने देखा है कि कभी बाबरी दादरी, कभी लॉ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी तीन तलाक, कभी NRC, कभी CA और वक्फ के, इसके निशाने पे कौन लोग, सब लोग समझ रहे हैं। कल लोकसभा में जब वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया तब NDA में शामिल हर पार्टी ने समर्थन किया था, इसमें नीतीश की पार्टी भी शामिल थी। अधिकार है कानून बनाने का। यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, यह एक कानून से बना हुआ संस्था है, उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। राजीव रंजन सिंह विधेयक को मुसलमानों और देश के हित में साबित करने के लिए एक एक बात मजबूती से रखते गए, लेकिन उनकी वही बातें अब JDU की जमीन हिला रही है। वक्फ बिल पर पार्टी के साथ ताल मिलाने से इनकार कर चुके JDU के मुस्लिम नेता फरियाद लेकर सीधे नीतीश के पास पहुंच गए। मैं CM के पास गया, वहां उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ अमेंडमेंट बिल इसमें अगर आ रहा है तो इसे मैं देखूंगा, मुझे कुछ पता नहीं है कि जो भी मंत्री दिल्ली में हैं, मैं उनसे चर्चा करूंगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी कीमत पर मैं अहित नहीं होने दूंगा। हमारी चीजें हैं वो आज उसके मालिक हम हैं, कल हो के हम नौकर बन जाएंगे, यह हमारे कोई अस्तित्व वक्फ बोर्ड से फायदा किया है? हमारे पूर्वजों ने जो जमीन अल्लाह के लिए भगवान के लिए दान कर दिया उस प्रॉपर्टी को भी आप कहें कि नहीं मेरी प्रॉपर्टी है तो ये उचित नहीं है। विपक्ष के विरोध के बाद वक्फ बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जा चुका है, लिहाजा राजीव रंजन सिंह की कही बातों का विधेयक पर तो फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बिहार में 17% मुस्लिम वोट पर असर न पड़ जाए, इसके लिए नीतीश के भरोसेमंद विजय चौधरी सामने आ गए।